उल्टा गेमर का नाम सुल्टा गेमर कपिल कांति जी और रॉ गेम प्ले स्वागत है आपका। बिना किसी कटिंग के पूरा गेम प्ले एक ही वॉइस ओवर में आपको करके दिखाऊंगा। कुछ नया करना था तो आज कुछ नया कर रहा है। नई स्क्रिप्ट, नहीं कट, कुछ नहीं, पूरा गेम प्ले में से रिकॉर्ड करेंगे रॉ के साथ। तो ये मत सोचना कि इसमें मैंने विकट किया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बहुत पुराना गेम है जी, मेरे को ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मैं अपनी गैलरी और मेरे को ये मिल गया गेम। पहले तो पबजी मोबाइल हुआ करता था, बीजीएमआई तो अभी ही आया जब बैन किया था हमारे गेम को मोदी सरकार ने। वैसे मैं इनको बेकार नहीं कहूँगा, अपनी सरकार सही है। तो देखो हम उतर चुके हैं यहाँ पे, ये देखो यार, UMP9 जब होती थी 9mm पे चलती थी, अब तो इस गेम ने UMP को ख़राब कर दिया। एक टाइम था जो अपडेट अच्छा आया था तो UMP 45 भी अच्छी हो गई थी, लेकिन अब UMP9 की तो यार याद आएगी। UMP9 एक ऐसी गन थी जो M416 के बावजूद भी हमें UMP9 को उठाते थे। और देख सकते हो लैपटॉप मिल चुका है, मेडिकिट मिल चुकी है, देख सकते हो। मैं तो आर्केड ऑल वेपन खेल रहा था आर्केड में, क्योंकि बड़े मैप खेल देखना मन नहीं करता था क्योंकि हमारे पेपर चल रहे थे और पेपरों में आपको पता है लेकिन ऐसे रहते हैं। और ये देखो बंद आ चुका है और ये भटका भी, और ये देखो आपको ये लगेंगे कि ये बोट था, लेकिन ये बोट नहीं है मेरे ब्रदर, ये रियल बंदा था। उस टाइम पे खेलना नहीं आता था लोगों को, ऐसे ही खेलते थे जैसे बोट की तरह। देखो ये भी, देखो ये बोट दिख रहा, देखो कितना डैमेज दे दिया 2-3 गोलियों में। तो एक बोट जैसे खेलते हैं बट बोट होते नहीं है, बोट तो हमारे से सॉरी कोई बोट नहीं होती। फिर यहाँ पे ये देखो रिवाइव करते हुए, मतलब ऐसा लग रहा है कि बोटों की लॉबी में खेल रहा हूँ मैं। वैसे बोट नहीं है, सारे रियल प्लेयर्स हैं बट इनका खेलने का स्टाइल अच्छा है और गवर्नमेंट बोट कह भी सकते हैं, बोट जैसे खेल भी रही है। ये टाइम बहुत अच्छा था गाइस, देख सकते हो ये देखो गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं मिला इनके पे। थोड़ा स्किप भी करते हैं गेम को, लेकिन नहीं, ये चैलेंज है तो चैलेंज है गाइस। वीडियो को रो बनाएंगे तो रो बनाएंगे, कोई नहीं गाइस। देखो थोड़ा देखना बनता है गेम प्ले, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बॉल 16, ये देखो स्पेसी नहीं, और मैं बॉल इतने उठाई जा रहा हूँ, बैग भी नहीं है मेरे पास, वेस्ट मिल गई है, बैग भी मिल गया, इतना लूटा हूँ मैं इस गेम में, बट क्या ये लूट इनफ है मेरे को चिकन डिनर करवाने के लिए, या मैं मर मरा के चलता रहूँगा, देखेंगे आगे। पहले अपनी लूट कंप्लीट कर देते हैं, वो खनगण को लूट कंप्लीट करते हैं अपनी। कार 98 का वैसे काम क्या था, मैंने कार 98 किस बात के लिए उठाई थी? इस मैप में भी अगर मैं कार 98 उठाऊंगा फिर तो मैं प्लेयर क्या हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है फिर खेलना क्या होता है जब इतने छोटे मैप में। मैप तो छोटा नहीं है, खासकर ये सर्कल छोटा है क्योंकि ये 8 मिनट का मैच होता है सिर्फ, तो इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर्कल बन जाता है, वो 8 मिनट के अंदर अंदर श्रिंक हो जाता है। ग्राफिक अच्छी थी इस टाइम पे गेम में, बिल्कुल खतरनाक ग्राफिक, और देख सकते हो सर्कल छोटा हो रहा है। जैसा मैं कह रहा था कार्निंगेट का कोई मतलब ही नहीं पड़ता, और मैं जोन के बाहर क्या करने जा रहा हूँ सोच रहे जी। हाँ मैं जोन की और बंदे खोजने जा रहा हूँ, और अचंभे की बात यहाँ पे नहीं है, मैं लूटना चालू कर दूँगा और यहाँ पे ये मार के बस मेरे को नहीं पता, बस मैंने ये मार दिए हैं, 5 किल हो चुकी हैं। और ये देखो ये टक्स पे टक्स, पहले तो मैं था भी कैसा, पहले स्लॉट में M4 या कार 98 स्नाइपरों को लगाता था और दूसरे में ये आर्गन, ये क्या मतलब है। मैं तो ये सोच रहा था उस टाइम पे का शॉर्ट गन सलाड़ी चालू कर देता और आज मैं इस गेम का प्रो होता, मेरे को शॉर्ट गन चलानी आ जाती।
अब तो वैसे भी बंदे बहुत ही घबरा चुके हैं। जो ओ ये ऊजी थी, ऊजी कोई नहीं था उस टाइम पे। ऊजी मेरे को पता है उस टाइम पे किसी को सलाह नहीं आती थी। देखो कोई ऐसा होता था गन का एक बोल नहीं प्लेयर ऐसे होती थी 25 गोलियां इनफ नहीं रहती थी बच्चों के लिए। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, सब छुप के बैठ चुके हैं। इसमें भी छुपेंगे तो भाई इसमें रैंक थोड़ी होती है, क्या गेमर बनोगे भाई इसमें भी छुप के खेल रहे हैं। और गोली लगने की इनकी और ये रहा, और फिर मिस कर दिया मैंने, फिर मिस कर दिया हेडशॉट, और फिर मिस कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब गेम प्ले पूरा देखो गाइस, मेरे को तो पता है मार दिया है। 7 किल हो चुके हैं ऐसे ही फोकट के, मेरे को लगा नहीं था 7 किल मैं कर दूंगा, बट 7 किल हो गए हैं। 7 किल्स माय फ्रेंड्स। अभी भी 4 बंदे अलाइव हैं, 10 से ऊपर किल कर सकता हूँ। बट ये क्या हुआ था, ये मेरा नेट एकदम से चौक कर गया था। मैं सोच रहा मैंने कट किया था, ये नेट ही चौक हुआ था एकदम से हुआ गाइस। मैंने इसमें कुछ भी कट नहीं लगाया, बिल्कुल कटलेस वीडियो ये। मैंने सीधा अपने गैलरी से उठा के गेट की वॉइस ओवर करके अपलोड किया। और यहाँ पे एक बंदा मेरे को मरता दिखा, मेरे को एक बार भी समझ नहीं है कहाँ से गोल्ड पड़ रही है मेरे को। The voice.